पंजाब में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस के वेटरन नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने एक बार फिर पार्टी को आईना दिखाया है। कपिल सिब्बल ने पूछा कि जब पार्टी में अध्यक्ष ही नहीं तो फैसले कौन ले रहा है। उन्होंने कहा, हमारे लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। सुष्मिता जी पार्टी छोड़कर चली गईं। जितिन प्रसाद को मंत्रालय मिल गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। सवाल उठता है कि ये क्यों जा रहे हैं? हमारी कोई गलती रही होगी तभी ये सब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, मैं तो यही कहूंगा कि हर कांग्रेस वर्कर को पार्टी कैसे आगे मजबूत हो इस पर मनन करें। साथ ही हमारे जो साथ छोड़कर चले गए वे भी पार्टी में वापस लाने चाहिए। हमें ओपन डायलॉग कन्वर्सेशन की जरूरत है। कांग्रेस को हम कमजोर होते हुए नहीं देख सकते। कब तक हम इंतजार करेंगे? वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं की। हमारी वजह से तो नहीं हो रही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।